नमस्कार दगड़ियों, मैं राजलक्ष्मी एक बार फिर आपको स्वागत कर दूँ आपका अपना कार्यक्रम दिल की बात ना। जी हाँ, आज मैं बता दूँ हमारे स्टूडियो में हम दगड़ी जो बात करने को आया छे ना, वो छे युवा दिलों की धड़कन, पिंक प्लाजो फेम। जी हाँ, अब तो आप समझ गए हो ना। आज हमारा स्टूडियो में हम दगड़ी बात करने को आया छे ना उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक सूर्यपाल श्रीवाण जी और उनकी धर्मपत्नी रेशमा श्रीवाण जी। तो चलो आज उनकी दिल की बात जान दिया। बहुत बहुत स्वागत आप रेशमा जी और सूर्यपाल जी। नमस्कार। सबसे पहले तो जब कभी दिल की बात कार्यक्रम का दर्शक छन समय तो मेरी सादर प्रणाम सेवा सौली और राजलक्ष्मी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम में मैं थे न्यूति अपना दिल की बात का वास्ता और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चलाई थे यू नागेंद्र भाई द्वारा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम नागेंद्र भाई, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड फिल्म जगत का जितना भी गाना भी आप लोग देखते हो जत का भी गीत आज से लेकर के मतलब आज भी दौर तो छह थे, लेकिन वह समय में अभी जबकि सी डी को जमानो हो छो वह टाइम पर भी जो है यो का तमाम गीत हम लोग जो देखा था, जो कि एडिट कराया था और एक्ट भी करी हुई तो आप दुई तो बहुत अच्छा एक्टर भी छन। तो आप सभी को तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार गुड़िया जी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहूँगा आप लोगों के कि आप लोगों ने अपना जी कार्यक्रम शुरुआत करी दिल की बात, ये हमें बुलाएं, ये वास्ता मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। तो सूर्यपाल जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये रहा हूँ कि आपको पैतृक गाँव आपकी जन्मभूमि स्थली कहें जगह पूर्दी और परिवार मक्कू को सदस्य थी जी। राजलक्ष्मी जी मेरे गाँव टीरी जिला में और भिलंगना ब्लॉक के अंतर्गत जो है 11 हिंदोपट्टी में हरियाणा हमारे गाँव को नौ छे। और परिवार की जब तक अपन बात करी तो परिवार में हम लोग जो है माँ जी तो बचपन में ही एक्सपायर हुई थी, जब मैं 6 महीनों छो हुए टाइम पर जो है माँ जी को जो है निधन हुए की छो। और पिताजी छन 4 भाई बहन हम लोग छा और 2 भूली छन, 1 मेरे छोटू भूला छे। और रेशमा जी, आपके जन्मभूमि स्थली कहें जगह पर दी। गुड़िया जी, मेरे गांव टेरी डिस्ट्रिक्ट भिलंगना ब्लॉक चनियाला सुनी होलू तक मेरे गांव पड़ दू। और मेरे परिवार में हम 3 सदस्य छन, पापा भी थे, पापा भी कुछ टाइम पहले एक्सपायर हुए, फिर वे के बाद माँ और मेरे भाई शैलेंद्र चलो। आजकल आप लोग सभी सुनना तेको म्यूज़िक काफ़ी मतलब हिट चाहिए, जो कि ज़्यादा बहुत कम उम्र में तैन बहुत अच्छे सॉन्ग देनी, बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी मेहनत करी और मिलियन सॉन्ग वे के ज़्यादा अंदर। तो मतलब हम दो भाई बहन छे और माँ अच्छी घर में। आप अपना पढ़ाई लिखा के बारे में कुछ बताइए हम तक। जी राजलक्ष्मी जी, मेरी पढ़ाई जो है बचपन में हमारा गाँव ही बैठी हुए जो मतलब प्रारंभिक कक्षा 1-5 तक की पढ़ाई हुई बेसिक स्कूल में, क्योंकि मेरा नाना जी छन जूनियर हाई स्कूल बैठी रिटायर्ड थे प्रिंसिपल। अच्छा। और वैसे ही पहले जो थी वो कि गाँव माँ जो है टीचर था बेसिक स्कूल में हेडमास्टर था, तो कहीं दगड़ी बचपन बैठी 1 से और कक्षा 5 तक की पढ़े वकी हुए। वे के बाद जो है 6वीं माँ हमारा घर का नज़दीक ही मतलब जख नने हाल में जख मैरन छो, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और जो लालन पालन छो वो मेरा नने हाल में ही हुए, क्योंकि माँ जी का एक्सपायर होने के बाद जो है नाना जी लोगों ने बोल कि यार हमारी बेटी को मतलब एकमात्र जो है निशानी छे और बच्चा वहीं छो, तो वे की देखभाल करना हमारे दायित्व बढ़ता हूँ कहीं दगड़ी मतलब बचपन बैठी रही हूँ मैं। और वे के बाद कक्षा 6 की पढ़े 7 की पढ़े अपना जो हमारे नज़दीक को स्कूल छो कि जे एच एस सेकेंडरी था मतोड़ी वक्त बैठी हुए। और वे के बाद जो है पिताजी मेरा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है सीमेंट धार में अभी जो कार्यरत छन। अच्छा। और वे टाइम पर भी हुआ कि जाओ वही स्कूल में, तो तब जो है अगाड़ी पढ़े खातर में वे गई हूँ और इंटर जो है मेरे वकी बैठी हुई जी आई सी सीमेंट धार बैठी। अच्छा। और इंटर करने के बाद राजलक्ष्मी जी मैंने जो है डिप्लोमा भी करी फार्मेसी बैठी और वही की देहरादून बैठी करी और ग्रेजुएशन भी मेरे देहरादून बैठी हुई जी। अच्छा अच्छा, तो आपकी कलाकारी के क्षेत्र में कन मैं एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल था आपको कि ये कलाकारी का क्षेत्र में, क्योंकि बचपन बैठी कि जब मैं लगभग 5-6 साल को रहे होलू तो वह समय पर क्यों उनकी गांव की तो आप जान रहे थे शायद आप गांव में रहे जो वाला जी जी। कि गांव का जब कभी कलाकार होना गांव वो जनरली जो है रामलीला बैठी या फिर जो भावनाटिका वन है पहले के समय में, क्योंकि मनोरंजन का इसका खास साधन नहीं बन जा। और वह टाइम पर जो है लाइट में तो पड़ेगा एक बात बताओ तो हमारे यहाँ लाइट भी लगभग मेरे ख्याल से 2004-5 में लगभग आई जो कि मैंने देखी, क्योंकि हम लोग लंपू वगैरह जगह था वह टाइम पर और मतलब लंपू चिमनी वाला लैंप वन था और पढ़े भी हम वहीं पर करें। आज का समय में तो ये साधन रहेंगे कि मतलब लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था है और बच्चों से अच्छू प्रवेश मिलना चाहिए पढ़े लिखे को, लेकिन हमारे वह समय की बात और वह समय पर रामलीला वन है तो रामलीला का मंचों बैठी जो मैंने गायकी की शुरुआत करी और एक बहुत ही प्यारो गीत छो वह समय पर
मुकेश निराला जी गान छा एक मुकेश निराला जी छनाप शायद जान देखो वाला बहुत अच्छा गान दबिशन लिख दबिशन वो तो वो की एक कंपोजिशन छे हैरी पिली टूब क्या दिखा कर ले जाए वो कभी मैंने जो गान शुरू करी मतलब क्योंकि मैंने उतने सुनी सबसे पहली मतलब मैं सुनी यार मैंने बहुत अच्छा गान लगे तो क्यों ना मैं भी कोशिश करूँ तो वक बैठी मतलब लगभग वह समय पर मेरी जो उम्र रहे लगभग 7 साल की लगभग रहे 7 या 8 साल की लगभग तो वे टाइम बैठी जो मैंने गाना शुरू करी और धीरे धीरे लोगों ने बोले भाई ये तो बहुत अच्छा गाना जगह जाएगी कुछ कर सको तो अगड़ी भी लगातार स्कूलों में जो भी कार्यक्रम मंचाजन रैली होगी या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी जो हमारा टीचर्स लोगों को बनता गुरुजनों को सब ये रन था कि भाई सूर्यपाल कुछ गा लो और मैं फिर गान छो तो बस धीरे धीरे ही नहीं प्यार रहे सब को और आगे देखते हैं फिर मैं तब पहली एल्बम जो थी मेरी 2010 में 2011 में लगभग रिकॉर्ड हुए और गैले कुछ मनोसी जय की एडिटिंग भी नागेंद्र भाई ने करी और बहुत सुंदर रहे वो एल्बम की शूटिंग भी बहुत यादगार लम्हा रहे तो ये नहीं मेरी कुछ शुरुआत है मतलब। रेशमा जी एक सवाल मेरे आपसे क्या आपकी पहली मुलाकात सूर्यपाल जी दगड़ी कख और कब हुआ और आप भी का मतन में कब बन दिया जी गुड़िया जी मेरी मुलाकात अरियों की मुलाकात ये प्रोग्राम में ही हुए ये एक लाइव शो में आया था हमारी तरफ जब बसंत पंचमी में एक हमेशा हर साल मेल मेला टाइप में होंगे और तब प्रोग्राम हर साल ही होंगे तो वह दिन पर ही तक आया था फिर मैं भी तो जाऊँ फिर ते वजह से हमारी बातचीत हुई आपस में और फिर मैं भी कलाकारी से पहले से पसंद करती हूँ मेरे भी एक मन में इच्छा था सिंगिंग में पहले से बचपन से ही पसंद करती हूँ तो ये वजह से कहीं ना कहीं हमारा विचार मिली और ये विचार कम मिलने का वास्ता फिर बाद हमारी शादी रहेगी बस। सूर्यपाल जी आपको गीत से जय गीत से आपने पहचान ली एक्चुअली राजलक्ष्मी जी बहुत अच्छा सवाल छे और पहचान की जब तक बात छे तो बहुत समय लगी मतलब पहचान बनो क्योंकि बचपन बेटी कई खैरी कई विपदा होने जो कि आज मतलब देख देना दो और जन की मैंने आपने बताया कि मैं बचपन ही बेटी गाँव छूँ और मेरे एक पैशन भी छो कि यार मैं सिंगिंग करूँ और मेरा गीत मार्केट में हूँ लोग मैं तो जानूँ क्योंकि वह टाइम पर जो दौर छो तो कैसेट को जमानो हो और हम लोग स्पेशली जो वह टाइम को समय हो तो हम लोग स्पेशल कैसेट लेने का वास्ता जो है घनसाली आंदा था घनसाली मारो मार्केट और वक्त हम देख रहा था कि जब नेक जी की कैसेट या फिर भरतवान जी की कैसेट या और भी बहुत सारा गायकों की कैसेट हम लोग देखा था तो कभी यह तो यार कभी यह ना हमारा समय भी खोलूँ जबकि हमारे कैसेट लोग देख ला और हमारा पोस्टर लग रहा क्योंकि आज कुछ समय कुछ अलग होगी आज बहुत आसान होगी एक कलाकार सनी अपना आपते हैं प्रमोट करूँ क्योंकि यूट्यूब को एक यू प्लेटफॉर्म से जय पर क्या एक गीत डाली दें एक कलाकार अपनी कैसेट में आप गीत मतलब रिलीज कर सकूँ दर्शकों के वास्ते अपनी पहचान बना सकूँ लेकिन वह समय पर जो है परिस्थिति बिल्कुल अलग है और बहुत ही विपरीत है परिस्थिति क्योंकि 8 गानों की एक एल्बम बन और वे को जो खर्चा हो तो वो खासा बहुत बढ़िया खर्चा हो जो मतलब काफ़ी अच्छा पैसा हुआ मतलब अच्छा तो वह टाइम पर क्या हुआ कि मैं बचपन ही बैठी मेरे शौक शौक में चाहता कि यार मैं गाऊँ लेकिन क्या हुआ कि परिवार वह चीज़ में सपोर्ट नहीं करी क्योंकि वो लोग चाहते कि भाई पढ़ी लिखी कहीं वो कुछ सरकारी नौकरी करूँ या फिर मतलब कुछ यू काम करूँ जो कि मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो कुछ यू काम हो तो क्योंकि हमारा जो कभी परिवार से मेरा पिताजी हो चाहे नाना जी लोग सभी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में छन वो लोग जो है ज़्यादातर प्रीफर नहीं करते कि गाँव बजाने वालों काम और ये सब चलाना फलाना लेकिन मेरे शौक जो छो मेरे शौक भी छो कि भाई मैं ये क्षेत्र में काम करूँ तो वे के बाद बहुत सारा एक दर्द होने के बावजूद जब मैं देखो छोड़ते थे तो लुकर बहुत सारा गीत ऑन छा लोग जो है कैसेट ऑन छे कार्यक्रम ऑन छा अब बहुत सारा ये ना गीत था ये ना गिटार था कि जो लोग गाना था कार्यक्रम में लेकिन वो जो स्टाइल होन छो और जो गाने के तरीके होन तो कहीं ना कहीं मैं तो लगता यार मैं बहुत अच्छा गा सकूँ ये सी बढ़िया गा सकूँ लेकिन मैं बोलते यार पर क्या करो यार अगर मेरे एल्बम होती है मेरा गीत होना यहाँ तक कोई मैं तभी बुला दूँ मैं भी जान दूँ तो ये नहीं करते करते आप एक बार जो मेरी कोई बात अपनी धर्मपत्नी तगड़ी होनी चाहिए तो मैंने बोली नहीं बात चाहिए यार मैं बोलता अगर आपको शौक चाहिए तो आप अगर कंचन हो कि घर हो तो चलो कोई बात नहीं उन सपोर्ट नहीं करी वह टाइम पर आज का समय में आपकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी होगी सब चीज़ मतलब ठीक होगी तो अब आप अगर कंचा हो मेरे व्यक्त कंध चाहो लेकिन पैसे नहीं छा आज का समय में तो क्योंकि एक अब एक कैसेट बनाने को मतलब यूँ छो राजलक्ष्मी जी मैं आपने बताऊँ कि लगभग 25-30 हज़ार रुपये तो रिकॉर्डिंग में लग जाना था वे के बाद या कभी दिल्ली जाऊँ दिल्ली रहूँ फिर क्या खरा लूँ आदमी फिर क्या खा लूँ बहुत दिक्कत मतलब मैं लग सके यार कई तरीके से बोलो और क्यों बोलूँ मतलब बहुत असमंजस की स्थिति रहनी चाहिए कलाकार का वास्ता तो फिर ये नहीं एक काफ़ी समय बाद जो है हम लोग घनसाली यानी कोई आया था दुई झड़ा आया था और घनसाली जो है मनमोहन सागर जी एक छन गायक बहुत अच्छा गाना वो भी
तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन बोले यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी, तुम तो गा सकते हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो, मतलब ये क्षेत्र में अगर तुम जो है अगर अगर कैसेट बनाओ तो लोग काफ़ी पसंद कर ला तुम्हारा गीतों से। मैं बोल बाइक कर सकला लेकिन मैं भी पैसा नहीं जान उन बोले भाई हर संभव प्रयास कर लगी जब तुम्हारा कम बजट में तुम्हारा गाना हो जाओ लेकिन तुम एक बार जरूर एल्बम रिकॉर्ड करा। अच्छा। तो उनका सहयोग से और वे के बाद जो वे समय पर श्रीनगर ईशान डोभाल जी को स्टूडियो ओपन हुए छो वे मतलब स्टूडियो तो पहली बैठी छो लेकिन वो कर दिलन जा काम पर गैले भी छुमा मेरी जो पहली एल्बम रिकॉर्ड हुए वक्त ईशान डोभाल जी का स्टूडियो में और वो गीत भी बहुत प्रसिद्ध रहे मतलब काफ़ी चर्चित रहे गीत क्योंकि मेरी तरफ भी एक एक्सपेरिमेंट भी छो कि अगर गीत चलेगी तो ठीक चल नहीं चली तो तक बाद क्योंकि जो कीड़ा छो तो शांत हो ही जाओ क्योंकि मेन चीज़ कीड़ा ही वाली कलाकारी की जो बात है मेन चीज़ कीड़ा ही वाली बात है क्योंकि भाई फार्मेसी करने के बाद और पढ़े लिखे करने के बाद अगर कोई बंदा क्योंकि नॉर्मल सी बात होने की यार कोई कहे फील्ड में जाए नौकरी कर लो थोड़ा बहुत पैसा कमा लो वही चीज़ होनी लेकिन फिर भी कह ना कह कि मैं चाहूँ कि भाई लाइन में काम करूँ अपना संगीत का प्रति इतना प्यार छो तो ये वास्ते राजलक्ष्मी जी पहली एल्बम मेरी यूज गैले भी छुमाए और प्रसिद्धि की अगर बात करूँ प्रसिद्धि पूर्व एल्बम बिट मैदे मिली जयकू की जो संपादन जो एडिटिंग को काम करी नागेंद्र प्रसाद जी ने करी और ये का डायरेक्टर अजय भाई था राजा रेन फिल्म्स का तहत गीत आई और तमाम चीज़ों ते देखी का अगर जो देखे जाओ तो एक टैग सॉन्ग हुए समय को अगर बोले जाओ तो पूर्वा छो और आज का समय मजन के आप लोग जानते हुए के बाद तो बहुत सारा गीत आए और तमाम गीत लोगों ने प्यार भी देनी तमाम गीतों ते लेकिन आज का समय की अगर बात करो तो जन की पिंक प्लाजो गीत हरके की जवानी पर चला सब लोग जानो मतलब ये बहुत कम जानो कि यू क्या चेतन से लोग जानो भाई पिंक प्लाजो सूर्य पाल श्रीवाण गीत और बस ही आजकल लोग फैम पिंक प्लाजो गीत बड़ी बने जी जी बिल्कुल सही बोला आप पिंक प्लाजो तो आजकल बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत हुई है हर बच्चा बच्चे की जुबान में बस पिंक प्लाजो हुई है बदरा फरकी भी गेंद गीत आपन देखो कि एक आजकल एक मीम से एक वीडियो चलो मतलब मीम से नहीं बोल सकता मैं सारी वीडियो एक कोई बच्चा था और जो कि साइकिल चलो वो गीत भी गाणो छो और गीत गाने गाने साइकिल कब चली गई पता ही नहीं चली गई के बाद क्या खड़ गई भाई साइकिल तो गई। हाँ जी 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 बिल्कुल सही बोला आप। तो मेरे आपसे एक सवाल और जी कि आप जन की मेडिकल लाइन में छा तो वे लाइन में होते हुए भी आप मतलब गायन क्षेत्र में पूरा टाइम दिया दो ये चीज़ कर मैनेज कर दिया जी। राजलक्ष्मी जी जन की आपको सवाल छो कि भाई मेडिकल लाइन का दगड़ी दगड़ी क्योंकि फार्मेसी प्रोफेशन से मैंने आपसे पहले भी बोली छो कि शुरुआत बेटी हमारी जब बातचीत होनी चाहिए कि जो सिंगिंग है वो मेरी बचपन से ही मैं बहुत पसंद करूँ छो लगभग 7-8 साल बेटी मैंने गाँव शुरू करी तो वही चीज़ होती है कि मतलब ये एक जबरदस्त सीजन की थोपी वाली बात है हालांकि पढ़े लिखे को अस्तित्व है आज का समय में क्योंकि कंपटीशन को दौड़ और ये समय में जो पढ़े लिखे को भी बहुत महत्व है लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो पहली बेटी ई लाइन में बहुत इंटरेस्ट हो जानकि आजकल मेरी बेटी से वही कभी बहुत सारा वीडियो आजकल काफ़ी मतलब चर्चाओं में लोग देखते रहन होते हैं मेरा पेज के माध्यम से। अच्छा। तो वो अगर देखते हैं पता नहीं है कि क्या ही छो क्या कर दी कर नहीं कर दी लेकिन उसका मतलब अभी अब बीबीटी जो थी वही जो क्रेज लग दो तो वो म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी वो तो जन कि मैं जन कोई गाना शुरू कर देना या फिर हारमोनियम बजाऊँ वो भी दगड़ा दगड़ी गाना शुरू कर दी और बिल्कुल मतलब कोशिश कर दी कि अपनी तरफ सीखी मतलब जन मेरे पापा गाना छ मैं वो नहीं गाऊँ पिताजी की तरह गाऊँ तो वही चीज़ होती कि वो मेरा बचपन से ही मेरा मन में है और आज का समय में भी जन कि मैं फार्मासिस्ट हूँ और दगड़ दगड़ी जॉब भी कर दूँ तो वे का साथ साथ जो है ये लाइन तेमें पूरा समय देना चाहूँ क्योंकि जरूर चिका कि ना कि एक तो मेरे प्रयास यूज कि भाई मैं अपनी लोक संस्कृति का वास्ता काम करूँ और एक शौक भी छो मेरे और दगड़ा दगड़ी एक और चीज़ मैं आपने बताऊँ राजलक्ष्मी जी जन की आज का समय में एक कलाकार थे जो कि मेरे भी तो करना चाहिए आज लोग मतलब बहुत सारा गीत लोग सुनिया लेने और बहुत सारा गीत लोगों ने देखा लेने लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक दुर्भाग्य थी कि एक आजीविका का वास्ता जैसे कुछ ना कुछ काम करना बहुत जरूरी है अगर वो लगाए जाओ तो भाई तो सारा गीत ही के हिसाब से तो नौकरी करने की जरूरत नहीं हुई चली गई कलाकार ने लेकिन मैं बताऊँ आप मेरे शौक जरूर से मैं ये मैं काम जरूर शौक कर लगी लोक संस्कृति के वास्ते लेकिन एक जो प्रॉपर मतलब जैसे कि अपना परिवार की आजीविका चल सकूँ यन एक यन कोई साधन मतलब नहीं चाहिए लोक संस्कृति वगैरह बात करे जाओ एक हिसाब से क्योंकि सरकार की तरफ से मैं तो आज ये कार्यक्रम का माध्यम से तमाम जो हमारा सरकार का अगर कोई लोग जो मंत्री हो चाहे जो सरकार से जुड़े हैं संस्कृति मंत्री हो जाए कोई मैं उन लोगों से बोला आप भी जान राजलक्ष्मी जी आप भी कलाकार छन और आप भी लगातार कार्यक्रमों में जो शिरकत कर देना आप लोग गाने लॉकडाउन का टाइम में
लगभग 2 साल को समय होगी कलाकार घर में बैठे छे और सरकार ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं छे कि भाई एक कलाकार की रोजी रोटी कन चलनी होली कहीं ना कहीं आप देने लगू कि कलाकार का वास्ता जो कलाकार का वास्ता व्यवस्था ही नहीं हो कि भाई उनको आए गए कुछ साधन कुछ करे जाओ जैसे कि आजीविका चल सको तो ये भी कारण है ना रुपये का दगड़ दगड़ी तब मैं जो नौकरी का दगड़ दगड़ी ये का खातिर भी टाइम निकाल लूँ क्योंकि दुई चीज़ जरूर छन अकेला एक नौकरी का वजह से या फिर एक वैसे या घर चलना बहुत मुश्किल थी। जी जी बहुत अच्छी बात बोल सूर्यपाल जी आप ना वाक्य हमारे 2 साल जब बटी कोरोना हुआ कलाकारों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ पर सरकार की तरफ से कोई इन ये तो बहुत अच्छी बात बोले आप ना हमारे दर्शक भी सुना वाला और बहुत सारा कलाकार इन विषय ज्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ ये कोरोना काल में उनकी नौकरी वाकरी कुछ नहीं छे बस प्रोग्राम का ही सारा से उनकी रोजी रोटी चल दी छे तो ये वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ है। तो एक सवाल है रेशमा जी से जिनके सूर्यपाल जी नौकरी भी कर देना और प्रोग्राम में भी जन तो आप ही उनको पूरा सहयोग कर दें पर आप परिवार का साथ साथ में जिनके आपकी छुट्टी बची थे तो आप ही उनको सहयोग कर्म कर दें आप तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इनकी। जी गुड़िया जी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती चाहे जॉब पर जाओ चाहे प्रोग्राम में जाओ चाहे रिकॉर्डिंग में जाओ मैंने जितने हिसाब से शेड्यूल बन जाऊँ तो खुद ही घर को कि अब ये टाइम पर यू कर नहीं अब मैंने खुद ही यू काम भी कर मैंने खुद बच्चे से भी देख मैंने खुद ही कभी जो कुछ भी काम हो कर साथ में मिल के जब आपस में हमारे विचार मिले हो तो फिर ये सारी चीज़ करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं वाक्य माँ जब तक भी आदमी को सोचने मिलूँ तब तक वो काम अच्छा से चल नहीं सकूँ। तो सूर्यपाल जी आपसे मेरी सवाल उन तो आप सभी गीत बहुत ही ज़्यादा चर्चा में सुप्रसिद्ध गीत थी ना पर कुछ गीत जरा हमारे दर्शकों में वास्ता भेजो ना 2-4 गीत जिनके पूर्वा वेगे और रथ छल वेगे और पिंक प्लाजो। धन्यवाद राजलक्ष्मी जी और मैं तमाम जो दिल की बात कार्यक्रम देखना चाहिए तमाम दर्शकों से मैं बताना चाहूँ कि ये कार्यक्रम का माध्यम से आप तमाम जो हमारा उत्तराखंड का जन का कलाकार है उनका बारे में आप लोग जान ला उनका बारे में आप लोग सुना ला तो आप लोग जरूर ये जो NP फिल्म्स जो चैनल जो बहते हैं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये और बेल आइकन भी प्रेस करना जो घंडली वाला बटन हम लोग बगल में वैसे भी जरूर दबाओ क्योंकि आप लोग बताएं नोटिफिकेशन मिलती रहे जब कभी कार्यक्रम वाला। तो गुड़िया जी आपका सवाल की तरफ चल रहा हूँ और आप बोल कि मेरा गीत कुछ मैं आप लोगों से तमाम मतलब दर्शकों तक सुन रहा तो ये श्रृंखला में सबसे पहली गीत जन की मैंने आपसे बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत और ये मतलब गीतों को जो कार्यक्रम हुए जो गीतों की शुरुआत हुई गहले पिछमा एल्बम बैठी हुए लेकिन प्रसिद्धि पूर्वा एल्बम बैठी हुए मतलब मिली मैं थे और पूर्वा गीत तय बढ़ने का पिछाड़ी की जो कहानी थी वे के बारे में मैं तमाम दर्शकों को वास्ता बताना चाहूँ क्योंकि गीत तो सभी सुन दें लेकिन गीत कौन बनी हुए का पिछाड़ी की कहानी कैसी वो बहुत मायने रख दिया अपने आप में। तो एक समय की बात थी जबकि सैलू बहुत छोटे थे और सैलू में मोबाइल दिया मैंने एक धुन कंपोज करी मैंने भाई बताओ को आज धुन कंपोज कर अब मैंने बच्चा जी तन को लिया तो ये की जो कंपोजिशन मतलब धुन जो कंपोज करी वो सैलू ने बनाई थी एकदम हालांकि वो एकदम करेक्ट नहीं बोल सकता कि एकदम करेक्ट धुन हुई थी लेकिन वे के बाद मैंने मोडिफाइड करी लेकिन एक जो रूप होने जो साँचा होने जो प्रकार होने मैंने बनाई थी कि भाई इस तरीके से जो है अब मैंने बोलता सुना तो कौन कौन जगह तो मैंने सुनाई मैं यार धुन तो बहुत अच्छी थी ये पर काम करूँ मैं वे के बाद मैंने काम करी तो वो तमाम लोगों ने बहुत पसंद करी वे समय में और सबसे बड़ी बात है थी राजलक्ष्मी जी की वे टाइम की जो बात मैं आपने बताऊँ कि लगभग 350 रुपये को या 450 रुपये को लगभग 1 GB 3G डाटा हुई और वे समय पर एक गीत को मिलियन व्यूज होना बहुत बड़ी बात होती है। उत्तराखंड इंडस्ट्री को शायद पहलू गीत जो कि तमाम हमारी टीम जो राजेंद्र भाई हो चाहे अजय भाई हो चाहे राजा रंजी हो और चाहे खैरवाल जी तमाम लोगों ने हमने मिली थे काम करके पहली बार जो HD की दौड़ शुरू हुई वक्त बटी वे गीत बटी वे के बाद तमाम HD गीत आए ना बहुत सारा HD गीत आए लेकिन वो पहलू गीत और उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को HD गीत और मिलियन गीत लगभग मेरे हिसाब से तो पहलू गीत हुई रहे जी। तो पूर्व गीत की मैं 2-4 लाइन तमाम दर्शकों को पूर्वा माट मड़े साज मेरे अपड़ी माट मड़े साज पूर्वा मनो बिठी वे मिलणो पूर्वा मनो बिठी वे मिलणो मेरी अपड़ी गला बिठी जाए आज
पूर्वा मनो बिठी वे मिलणू मेरी अपनी गला बिठे जाया जी हे पूर्वा हे बिरजू हे और जो आजकल आपको एक पिंक फ्लावर गीत बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट हुई है, हर बच्चा बच्चे की जुबान में बस वही गीत है, तो वे गीत का जरा दो चार लाइन हो जाए ना हमारे दर्शकों के पास। तो पिंक फ्लावर गीत की बात अगर मैं करूँ, एक समय की बात थी कि जब कि हम लोग मार्केट घूमना था पटन बाजार में, मैं देखिए आज का समय में क्योंकि कक हमारा उत्तराखंड जो कि अपना वेशभूषा का वास्ता जो बहुत ज़्यादा मानी जानू हमारे का जो चाहे लहंगा चोली हो और चाहे बास्केट हो चाहे हमारी सदरी हो चाहे मतलब जो पुरानी चीज़ें ना लवा धोती हो मतलब बहुत सारी चीज़ लेकिन पाख लो होगी वेसेंट लगाने वाला लोग। और आज का समय में क्योंकि आज का बच्चा धीरे धीरे जो हमारा समाज वेस्टर्नाइज होना चाहिए, आज का बच्चों को जो वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा ध्यान चाहिए, तो मैंने देखी कि प्लाजो टंगे अच्छा मतलब यार क्यों ना एक गीत प्लाजो पर बनाए जाओ। और प्लाजो आजकल बन भी अमूमन आप भी पहन दे बोला प्लाजो जी सभी लोग पहना ही झन प्लाजो 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 हुई प्लाजो तो प्लाजो पर गीत मैंने बनाया और काफ़ी पसंद भी आया। तब रिपीटी प्लाजो ज़्यादा बिगड़ भी शुरू हो गया ना अब मैं लग रहा प्लाजो वो जो मैं ब्रांडिंग को पैसा भी नहीं चाहूँ तो आओ ये प्लाजो पिंक प्लाजो गीत की मैं दुई लाइन तमाम दर्शकों का वास्ता जो सुनो मैं। और ये को म्यूज़िक शैलेंद्र सैलू कर बहुत ही सुंदर म्यूजिक हुआ है क्योंकि कई भी गीत में अगर म्यूजिक का सुने तो फायदा नहीं होगा गीत को तो आओ सुनदा हम लोग पिंक प्लाजो गीत। आखी सुर म्याली तेरी आखी सुर म्याली तेरी आखी सुर म्याली तेरी मुखड़ी सज म्याली तेरी कमरी जनगी जाली सी मुठ्ठी मैं जो क्या गजब लागे है रे तेरु पिंक प्लाजो क्या झुम लागे है रे तेरु रंगलो प्लाजो क्या गजब लागे है रे तेरु पिंक प्लाजो क्या झुम लागे है रे तेरु रंगलो प्लाजो छोड़ी अपड़ू लाड़ पहनू बंगे देश वाली कभी पहन दी जंप सूट कभी प्लाजो वाली प्लाजो वाली छोड़ी अपड़ो लाड़ पहनू बनी गे देश वाली कभी पहन दी जंप सूट कभी प्लाजो वाली जंप सूट अर तेरु प्लाजो सिर गड़वाल बोले बड़े जो आगे लगे जो क्या गजब लागे है रे तेरु पिंक प्लाजो क्या झूम लागे है रे तेरु रंगीलो प्लाजो जी जी बहुत सुंदर गीत। और जरा दुई लाइन रथी छल की भेजन मैं बात बताऊँ कि एक समय एक छोकी जब मैं बहुत सारा गीत गाइन बीच में लेकिन रिस्पॉन्स नहीं छोड़ लगी हूँ और जी 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 बहुत सारा ये ना गीत था जो कि मतलब जो मैं दलव छो यार गीत इतने खास नहीं बने थे लेकिन उनको रिस्पॉन्स अच्छू छोड़ लगी जी तो कहीं ना कहीं मैं दलव यार कहीं ना हो कि मतलब मेरे काम करो कहीं व्यर्थ तो नहीं इंडस्ट्री का वास्ता क्योंकि मैं पहली बेटी सारा गीत जो कभी इन लोगों ने बहुत पसंद करी लेकिन मैं जानता हूँ यार मिलियन मिलियन व्यूज़ कुछ दौर जो आजकल मेरा गीत मिलियन व्यूज़ जाओ या ना कुछ हो मतलब हल्के की चॉइस होती जी बिल्कुल तो मैंने सैलू बोल मैं भाई कुछ गीत म्यूजिक क्या होने चल रही कुछ मतलब लिखने तो नहीं डाली कंपोजिशन क्योंकि ज़्यादातर गीत मैं आपने बताऊँ मेरा अपना ही लिखा गीत होना और मैं खुद ही कंपोज कर रहा हूँ तो मैंने सैलू बोल मैंने भाई म्यूजिक कुछ अलग हो कुछ मतलब बल आप बना हुआ कोशिश करा कुछ आप छुक ला तो रथ चल गीत मेरी आखिरी उम्मीद है वह समय की। अच्छा मैंने बोले यार सारा गीत करी देख एक्सपेरिमेंट भी करेगी लेकिन मिलियन जो को दौर जो चल रहा वो एक समय पर जो नहीं चलने लगे तो अब मेहनत भी होती है और तमाम टीम वर्क बोलूँ मैं ये थे और बहुत सुंदर एक डायरेक्शन विजय भाई ने करे और बहुत अच्छा मतलब कुल मिलाई थे तमाम तालमेल जो ऑडियो वीडियो के रहे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगी फिर मैं ये दो चार लाइन तमाम दर्शकों के वास्ते ये गीत की सुन चिटमिला कपड़ा नीलाणू दागुड़ो का रथ चलला तेरु गाड़ू धारू कूरे जानु कगे होना तुए छली निजाला धड़ा दा दुपरा बैसाख का मैना बड़ी ठड़ी चोरी डांडा जानू नी तुएन जानू नी तुएन तेरु रूप अफुमा बोलोण्या
छोबेटो दगड़ा हिटला चिटमिला कपड़ा नीलाणु दागुण्यो कारत चलला तिरुगाडो दारु को रे जानू कगे होना त्वे छवेली जाला। जी बहुत सुंदर गीत, बहुत ही मधुर आवाज सूर्यपाल जी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी कि जन की नया कलाकार छे ना, और मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत टैलेंटेड छे लेकिन उनका कभी कोई मंच नहीं मिल सकूँ दू और मौका नहीं मिल दू, तो उन कलाकारों वास्ता आप कोई संदेश देना चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल, ये आपन बहुत अच्छी बात करी। अभी आजकल मेरा पेज का माध्यम से एक हमारा कार्यक्रम तो चलाएँ, कार्यक्रम छुई बात करी थे जी जी, और वे में बहुत सारा इन लड़का था जो कि बहुत अच्छा गाने लेकिन अच्छा। पारिवारिक परिस्थितियों का कारण या फिर वो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन जो वे का कारण जो लोग अगाड़ी रिकॉर्डिंग नहीं चल करे सर, तो इन कलाकारों का वास्ता जो अच्छा गाँव वाकई जे क्या आवाज़ अच्छी, तो वे खातिर मैंने बोली भाई हमारे जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है वक बटी हम तुम्हारा गीत रिकॉर्ड कर ला, लेकिन दगड़ दगड़ी राजलक्ष्मी जी मैं बोल चलू तमाम कलाकारों का वास्ता जो कि आज का समय में लोक संस्कृति का वास्ता काम करना का खातिर होना चाहिए, क्योंकि हर हर जगह भी कलाकार सब को प्रयास है लोक संस्कृति तय बढ़ावा देने को, तो वो तमाम कलाकारों से मेरा निवेदन है खास तौर पर कि अगर आप लोग आना छ नहीं छवाली का कलाकार आप लोग आवा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनू कुछ हो अपनी रचना हो या फिर जो अपनी शब्द श्रृंखला हो वो तमाम चीज़ अपनी हुई छी, क्योंकि आज का समय में जन में देखो जो नया लड़का जो कभी ओणा छ नहीं, नया लड़का छन कई छा लड़की भी छन, मैं सब गाते हैं और कई है का गीत गाते हैं भाई ठीक है आप जो गांठ छन चाह लेंगे, लेकिन अपनू कुछ करा जैसे कि आइडेंटिटी बनो। दूसरी बात दूसरे एक और मुद्दा हूँ ये मैं जोड़ना चाहूँ कि वो मुद्दा ये कि भाई हमारा जो गीत छा हम पारंपरिक फोक छा गा लेंगे या हम फिर वेस्टर्न गीत, या तो वो पारंपरिक फोक ही हो या फिर वेस्टर्न ही हो, और अगर वेस्टर्न हो तो वह में फोक जरूर हो, फोक कौन से मतलब कहना कहती हूँ मतलब चाहे हमारा शब्दावली में हो चाहे हमारी टोन में हो, हालांकि क्योंकि आज का समय में जो जो हमारा सुनने वाले जो वो यूथ है 50-60 साल का लोग यूट्यूब यूज़ नहीं करते क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, और यूट्यूब पर जब कोई गाँव पड़ो तो भाई बच्चा से लेकर और जब कभी 45-50 साल का जो लोग जो हमारे फोन अवेलेबल थे वो लोग देखते हैं गीतों से, तो उनका खातिर म्यूजिक मना ही पन होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड को जो लोक संगीत है जैसे कि हमारा ढोल धमो होगी जैन कि हमारा मस्क बाजू होगी रणसिंगा होगी हुड़कू होगी डोर होगी थकुल, ये तमाम चीज़ जो उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र सन ऊँते हैं दगड़ा मालिक हैं हम लोग जो काम करो जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सूर्यपाल जी को नई स्टूडियो बनो रिकॉर्डिंग की स्टूडियो, पहले तो मुझे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपते हैं, आप दोनों तो बहुत बहुत बधाई, तो वे कब आ रहा थोड़ा हमारे दर्शकों का कुछ बता ले कि वे एक ओपनिंग कब होली। जी राजलक्ष्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी बहुत अच्छे गाने और दिल की बात कार्यक्रम में एंकरिंग तो खैर आपका नहीं जन, लेकिन मैं चाहूँ कि उद्घाटन जन होलू तो आपको भी एक गाना जरूर हो जन हमारा जी 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 बिल्कुल सूर्य क्रिएशन रिकॉर्ड, तो बहुत ही जल्द दगड़ियों मैं आज दिल की बात कार्यक्रम का माध्यम से और आदरणीय बड़ा भाई नागेंद्र प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ जो उनकी ये कार्यक्रम का माध्यम से मैं ये कार्यक्रम मान्य होती, तो ये कार्यक्रम का माध्यम से मैं तमाम दर्शकों से बतौड़ चालू कि हमारू बहुत ही जल्दी ये हमारू क्या आप लोगों को स्टूडियो स्टूडियो सूर्य क्रिएशन रिकॉर्ड्स बहुत ही जल्द जो खोलने वाले और आजकल वे को काम चलो है लगभग अगस्त माँ अगस्त फर्स्ट वीक में लगभग वे की ओपनिंग हो जाली, तो जब कभी जो कलाकार हैं जो कि रिकॉर्डिंग करने का इच्छुक हो वो तमाम कलाकार जरूर आओ ना, और एक बार सेवा को अवसर जरूर दें क्योंकि बहुत ही अच्छा हमारा जो क्वालिटी देने को प्रयास हो ये स्टूडियो का माध्यम से, और राजलक्ष्मी जी दर्श बात हुई उनके गड्ढा में होने वाले थे तो आप लोग भी जरूर आवा अपना गीतों पर जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक सवाल मेरे आखिरी सवाल आपसे कि आप हमारा जो दर्शक छे जो आपसे इतना प्यार और सहयोग दे देना तो उनका वास्ता कोई संदेश देने चाहे आप? जी दर्शकों का वास्ता मैं बोलना चाहूँ कि हमारा जो दर्शक छन वास्तव में राजलक्ष्मी जी मैं बोलूँ तो एक कलाकार का वास्ता एक ऑडियंस को एक दर्शक को होना बहुत जरूरी है, हम हमारा अस्तित्व दर्शकों से जी जी तो आप लोगों का वास्ता एक संदेश जो मेरी तरफ से क्योंकि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि ये समय में जो कोरोना नो की जो वैश्विक महामारी से संपूर्ण विश्व में फैली है, आप लोग जो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करा, आप लोग जो घरों से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगावा, और क्योंकि ये तो आपको पर्सनल हितों का वास्ता मैं बोलना चाहूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कि आप लोगों को अटैचमेंट हम लोगों दर्ज है आप लोगों को प्यार हम लोगों को मिलूँ तो हमारी भी जवाबदारी है कि आप लोगों का बारे में भी हम लोग सोचूँ,
तो आप लोग जो है सेफ रहा, अपना घरों में रहो, जब बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकला। और दूसरी बात मैं तमाम दर्शकों से बताना चाहूँ कि ये चैनल का माध्यम से, एनपी फिल्म्स का माध्यम से आप लोगों से और भी बहुत सारा कलाकार जो कि उत्तराखंड में लगातार लोक संस्कृति का वास्ता काम धन कर लगे हूँ, तमाम कलाकारों का दिल की बात आप ये कार्यक्रम का माध्यम से जाना ला, तो आप लोग जरूर एनपी फिल्म्स चैनल से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको रेशमा जी और सूर्यपाल जी, आज बहुत अच्छी लगी, मैं तो ही खुद बहुत अच्छी लगी आपकी दिल की बात जान के ही। उम्मीद कर दो कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी बोलूँ सूर्यपाल जी की और रेशमा जी की दिल की बात सुन गई, तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हम तो जरूर बताइए। जी हाँ, आप चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने भूलें। धन्यवाद।